नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। पटना सिटी के मानस पथ पे पार्षद संघर्ष मोर्चा द्वारा गरीबों के लिए राशन उपलब्ध कराने समेत कई मांगों को लेकर किया गया मौन प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं गरीब परिवार व राशन कार्ड धारकों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए राशन वितरण के लिए राज्य सरकार से प्रावधान भी जारी किया गया है, जिसको लेकर पटना सिटी के वार्ड नंबर 60 के वार्ड कार्यालय के समीप मानस पथ पर पार्षद संघर्ष मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर स्लोगन भरी तख्तियां लिए मौन प्रदर्शन किया है। जहां पार्षद संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने राज्य सरकार से मांग किया है कि राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों को निशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाए और दिल्ली सरकार के तर्ज पर गरीब परिवारों के खाते में 5,000 रुपए मुहैया कराया जाए, ताकि लॉकडाउन की वजह से कोई गरीब परिवार भूखा ना रह सके। वहीं पार्षद संघर्ष मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि कोरोना महामारी के दौर में राशन वितरण प्रणाली की दुकानों में बिना पॉस मशीन के राशन उपलब्ध कराया जाए, साथ ही राशन कार्ड से वंचित परिवारों को अविलंब राशन कार्ड मुहैया भी कराया जाए और नए राशन कार्ड के लिए फॉर्म जमा करने की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कोरोना महामारी के दौर में गरीब परिवारों को राहत मिल सके। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पार्षद संघर्ष मोर्चा ने बिहार सरकार और भारत सरकार के निर्णय मई और जून में जन वितरण प्रणाली दुकान में राशन फ्री देने की घोषणा की है, मगर हम समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो गरीब हैं, असहाय हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति में भी लोग कमाने के लिए भूखे पेट सो रहे हैं। वैसे स्थिति में वंचित राशन कार्ड है, कार्डधारी हैं, जो परेशान हैं। आज इसी को लेकर हम लोगों ने जो वंचित परिवार हैं, वंचित राशन कार्डधारी हैं परिवार, उसको राशन निःशुल्क देने की बात हम लोगों ने मांग किया है सरकार से। पॉस मशीन पर बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है, जिसके कारण हम लोगों ने डिमांड किया है कि संक्रमित जो इस समय बीमारी में पॉस मशीन को हटाकर मैनुअल वितरण करने की मांग रखी है। और दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी राशन कार्डधारियों को 5,000 रुपया उनके खाते में अनुदान देने की बात हम लोगों ने मांग रखा है। ये तमाम सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोगों ने बड़ी संख्या में गरीब लोग कार्यालय में इकट्ठा होकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया और मांग रखी है। बलराम चौधरी, पूर्व पार्षद।